हाँ, तो पिछली क्लास में जो डेल्टा हेजिंग किया था हमने कॉन्सेप्ट, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में और हमारी बुक में देखा जाए तो दो क्वेश्चन हैं। तो उसमें हम सबसे पहला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18, बायनोमियल का ही पार्ट है और डेल्टा हेजिंग के थ्रू। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 18 को ठीक ठीक से पढ़ोगे, उसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है, मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है भाई, शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। जो अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 600, 600 रुपये, ऐसे बोलेंगे हम उसको। ठीक है, आगे लिखा है, ही एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ शेयर में गो अप टू ₹780। उसका कहना है कि शेयर का प्राइस यूएस बढ़ के या तो 780 हो सकता है या तो डीएस शेयर का प्राइस 480 हो सकता है। ठीक है, इन 3 मंथ्स पीरियड दिया, 3 मंथ्स। आगे लिखा, द चांसेस ऑफ अकरिंग सच वेरिएशन, बोले जो बढ़ने और कम होने के चांसेस हैं 60% एंड 40%। एक बात अच्छे से याद रखना, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच नहीं लग सकता, उसके लिए लग सकता है पर ये जो चांस दिया हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच में प्रोबेबिलिटी निकालने का एक मेथड होता है, जो दिया हम उसको कंसिडर नहीं करते, फिर भी इसने दे दिया, शायद कोई यूज हो उसका। ऑप्शन कौन सा है? कॉल। ऑप्शन है कॉल। पीरियड कितना है सर? पीरियड है 3 मंथ्स। पीरियड है 3 मंथ्स और लिखा है, अ कॉल ऑप्शन ऑन द शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड कैन बी एक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ 3 मंथ विथ स्ट्राइक प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, एक्सरसाइज प्राइस दिया है 630। लिखा, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सेलेक्ट इफ ही वांट्स अ परफेक्ट हेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस लाइन की वजह से हम लोगों को रिस्क न्यूट्रल नहीं लगाना, इस लाइन की वजह। उसने बोला है कि बताइए, कॉम्बिनेशन बताइए कितने शेयर्स और कितने ऑप्शन मिस्टर दयाल को सेलेक्ट करना, मतलब सिंपल पिछला कॉन्सेप्ट डेल्टा हेजिंग के थ्रू। तो डेल्टा हेजिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। आज शेयर का प्राइस कितना है? 600। अच्छा, कितना हो सकता है? तो या तो दिया है 780, या तो कितना दिया बेटे? 480। ठीक है, अच्छा, इसको हमने बोला था यूएस और इसको क्या बोला था? डीएस। कॉल का पे ऑफ कितना दिख रहा है वो लिख देंगे यहाँ, सीयू। और पुट का पे सॉरी कॉल अगर डाउन होता है तो पे ऑफ कितना होगा? एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 630। 630 से बढ़ेगा तो फायदा, तो 780 माइनस 630, 150, और कम हुआ तो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, 0। ठीक है, अब भाई सबसे बोले पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन। पॉइंट नंबर वन, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें डेल्टा ऑफ कॉल निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा ऑफ कॉल इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस ऑफ शेयर, नहीं, चेंज इन प्रीमियम, चेंज इन वैल्यू, मतलब सी यू माइनस सी डी डिवाइडेड बाय यूएस माइनस डीएस। तो सी यू 150 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 780 माइनस 480। तो आंसर कितना आ रहा है? 780 माइनस 480, तो ये आ गया 780, 780 माइनस 480, 300, 150 डिवाइडेड बाय 0.5। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम करेंगे राइट
वन कॉल ऑप्शन एन। अब कॉल ऑप्शन को राइट किया है तो उसको हैश करने के लिए बाय वन शेयर, नहीं ये डेल्टा 0.5 है ना, बाय आधा शेयर 0.5 शेयर टुडे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो पूछा और वो हमने बताया, इफ ही वांट्स टू, ही वांट्स अ परफेक्ट हैश, फॉर परफेक्ट हैश, फॉर परफेक्ट हैश। ठीक है, पहला काम हो गया। तो पहली बात हमारी खत्म हो गई है। उसने बोला कि बताइए कितने कॉल ऑप्शन राइट करेंगे, तो कितने कॉल ऑप्शन राइट करेंगे वन, और उसको हैश करने के लिए आधा शेयर खरीदेंगे। ये मेरा डिस्कशन हो चुका। दूसरा बोल रहा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे बोला भाई। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि हम आधा शेयर खरीद के रख लिए और एक कॉल ऑप्शन राइट किया तो क्या हो सकता है। मतलब अब मुझे पॉइंट नंबर टू समझना पड़ेगा, और पॉइंट नंबर टू यहां समझा दें, यहां फोकस करोगे पॉइंट नंबर टू वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो पॉइंट नंबर टू में सबसे पहले मुझे पे ऑफ निकालना पड़ेगा, पे ऑफ। और जो पे ऑफ निकलेगा ना, मान लो शेयर का प्राइस, मान लो शेयर का प्राइस 780 हो गया, 780 हो गया, 780 हो गया, तो क्या सामने वाला कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? यस, एक्सरसाइज, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो मेरे जेब से कितना जाएगा, हमारे जेब से चला जाएगा 150, 150 रुपया गया। पर सुनो, हमने आधा शेयर तो खरीद के रखा आज ही, तो आधा शेयर खरीद के रखा है तो 150 जाता है, जाने दो, पर 780 रुपए कीमत होगी तो वो आधा शेयर हम बेच देंगे, सेल से 780 रुपए का एक शेयर, तो आधा शेयर कितने का बिकेगा, 780 × 0.5, तो बेटे ये बिकेगा 390 रुपए का। निकालते हैं कि मेरे पास 390 − 150, मुझे 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, 240 मिलना ही मिलना है। सर मान लो शेयर का प्राइस 480 हो जाए तो शेयर का प्राइस तो कम हो गया, तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, मैं खुश, कॉल ऑप्शन लैप्स्ड। मतलब मेरे जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, पर जो शेयर 480, जो आधा शेयर खरीदा था ना बेटे, अब उसकी कीमत तो गिर गई, तो मुझे मजबूरी में दुखी दुख होके बेटे 480 का बेचना पड़ेगा, आधा शेयर, सेल शेयर 480 × 0.5, तो 240 रुपए। तो इसका मतलब है कि किसी भी हालत में, चाहे शेयर का प्राइस बढ़े चाहे कम हो, मुझे 480 तो मिलना मिलना है, सॉरी 240 तो मिलना मिलना है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन में निकाल रहा हूं, पॉइंट नंबर टू ही चल रहा है, मैं सोच रहा हूं बेटे पॉइंट नंबर टू, देखना मैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहा हूं यार, मैं ना कितना, अच्छा ये 240 जो है, 240 ये कब मिलेगा मुझे, पक्का मिलेगा, कब मिलेगा सर, आज से 3 महीने बाद मिलेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं क्या? हाँ सर निकाल लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पे ऑफ, किसी भी हालत में मुझे 240 मिलेगा, मतलब डिस्काउंटिंग में तो रिस्क फ्री से करूंगा, और पक्का दिया होगा, रिस्क फ्री दे रखा 10%, तो 10% सिंपल मान के चलो, तो 10% 3 × 10 × 3/12, 2.5% से डिस्काउंटिंग करूंगा, मतलब 1.025, 240 / 1.025, तो ये आ गया बेटे 234.15। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, मुझे निकालना वैल्यू ऑफ कॉल, तो यार मुझे शेयर कितने खरीदना, सर आपको खरीदना है आधा शेयर 0.5, ठीक है आधा शेयर खरीदना। अभी शेयर का कीमत कितना चल रहा है, अभी चेक करो, आज शेयर का कीमत चल रहा है 600, तो 300 रुपया लग रहा है, जबकि मुझे मिलेगा कितना, 234 जो फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं कहता हूँ 300 मिल रहा है, उसमें से 234 रुपए 15 पैसे जो फ्यूचर में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू।
आधा शेयर खरीदने के लिए 300 रुपये मिलेगा और मुझे इतना तो मिल जाएगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वैल्यू ऑफ कॉल, देख लेते हैं, 600 × 0.5 300 माइनस 234.15, तो सामने वाले से मैं ले लूंगा 65.85, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल, 65 रुपया 85 पैसे चार्ज कर लूंगा सामने वाले से कॉल का, ठीक है, ये सामने वाले से बोलूंगा भैया 65 रुपया आपको प्रीमियम का देना पड़ेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल, आधा शेयर खरीदूंगा इतना मुझे पक्का मिलेगा, तो जो डिफरेंस है वो अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा, मैं सामने वाले से ले लूंगा, ठीक। तो ये दूसरा था, ये था किस अप्रोच से डेल्टा हेजिंग। तीसरे पॉइंट में और कुछ मांगा ऐसा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन, सुनोगे बेटे, थर्ड। तो जो थर्ड है ना उसमें एक बात है कि अगर मैं ऑप्शन खरीद लेता हूं तो मुझे कॉस्ट कितना पड़ा, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन अगर खरीदता हूं तो मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा 75.85, ठीक है, अगर मैं उसके एंगल से बात कर रहा हूं, ऑप्शन बायर के एंगल से बात कर रहा हूं कि यार ऑप्शन खरीदेंगे तो हमें कॉस्ट पड़ेगा 65.85, ओके। पर बेटे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी दिया था शायद, याद करो, हाँ सर हाँ, दिया था कि शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता कम भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 150 की प्रोबेबिलिटी है 0.6 या तो 0, वो बोल रहा है कि बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा तो मेरा 150 का फायदा होगा, और 150 का फायदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, और अगर कम हुआ तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी है 0.4, तो सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल सकता है कि यस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो प्रोबेबिलिटी दिया है ना उसके हिसाब से 150 × 0.6 प्लस 0 × 0.4, तो 150 × 0.6 90 रुपए का फायदा हो सकता है। तो सोचो बेटे आज पैसे लगाएंगे 65 रुपए 85 पैसे और फ्यूचर में मिलेगा मुझे 90 रुपए, तो कितना रिटर्न कमा रहे हैं हम, वही पूछा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो यहां लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 90 − 65.85 डिवाइडेड बाय, पैसा कितना लगाओगे 65 × 100, 90 − 65.85 डिवाइडेड बाय 65.85 × 100, तो ये आ गया परसेंटेज में 36.67%, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके आगे और बना रहा है, एक बार नोट कर लो, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बना लेते हैं।